नमस्कार साथियों, जेएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक, लास्ट वीडियो में आपको 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाई थी, जिसमें कुछ पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कुछ वो भी दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं। आज अपन एक नया कंटेंट देखते हैं इसके अंदर के क्वेश्चन एक और टॉपिक पे कैसे पूछ जाते हैं, जिसमें आपके आता है वर्ष, ईयर। ठीक है, ईयर में दो टाइप ईयर होता है, एक लीप ईयर और एक अलीप ईयर। ठीक है ना, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप वर्ष और अलीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष और अलीप वर्ष, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डे, और नॉन लीप ईयर अलीप ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज। इसमें 366 डेज। ठीक है, ये क्यों होता है? आपको बताइए कि साल में 12 महीने होते हैं, कुछ 30 के, कुछ 31 के, कुछ 28 के, और कई चार सालों में एक बार फरवरी भी क्या है 29 दिनों का आता है। वो एक डे जो एक्स्ट्रा होता है वो आपके कार्ड काउंट होता है, इसके लिए काउंट होता है 366। नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें होता है 365 डेज, लेकिन ये जो पूरा कंटेंट उसमें क्या होता है कि एक साल में होते हैं आपके 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। ये 6 घंटे टैड होते होते 4 सालों में पूरा एक दिन बन जाता है, 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24। चौथे साल में 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, क्या बन जाता है? एक पूरा दिन बन जाता है, और वो दिन कहाँ काउंट हो जाता है? आपके 29 फरवरी के रूप में काउंट हो जाता है। और उस साल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 4 के टेबल में जैसे जाते रहेंगे ना, वो सारे में क्या होता है 29 फरवरी, जैसे 2004 में आया था, 8 में आया था, 12 में आया था, 16 में आया था, अब 2020 में भी 29 फरवरी आया था। नेक्स्ट 29 फरवरी कब आएगा? 2024 में आएगा। हर 4 सालों में एक दिन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है ना, तो लीप ईयर में होते हैं 366 डे, और नॉन लीप ईयर में अलीप वर्ष में होते हैं 365 डे। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में लीप ईयर दे रखा है तो आपको 366 डे काम में लेना है, और नॉन लीप ईयर दे रखा है तो 365 डेज काम लेना है। ठीक है, इससे अगर आपने मिस्टेक कर दी कि लीप ईयर में ये यूज कर लिया, नॉन लीप ईयर में ये यूज कर लिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वो देगा नहीं कि आपके इसके अंदर कितने दिन है कितने नहीं है, आपको क्या करेगा, सीधा आप देगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, दोनों में से कोई एक नाम देगा, उसके रिलेटेड आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आई बात? 366 डे कैसे होता है, 365 कैसे होता है? नॉर्मल 365 होते हैं, और इसमें होता है 366, जो आपके 29th है, जो 4 सालों में एक बार आती है, उसके कारण इसमें क्या होता है 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये आपके लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, एक कक्षा के दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि वर्ष अलीप वर्ष है। ऐसा भी बोल सकता है, अलीप वर्ष में एक कक्षा के दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता ज्ञात करो, या कि एक कक्षा के दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो वर्ष कौन सा है? अलीप वर्ष है। ठीक है ना, और अगर वर्ष दे भी नहीं रखा,
सिंपल बोल रखा है, सिंपल मान लो ये लाइन आपको नहीं दे रखी होती तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, अ लीप वर्ष, जो नॉर्मल ईयर होता है वो कंसीडर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको दे रखा है लीप ईयर तो उसके अंदर 366 डे होंगे, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो अब इसके अंदर आपको दे रखा है वर्ष कौन सा हो, अ लीप वर्ष हो, तो कुल परिणाम टोटल आउटकम कितने होंगे, 365, 365 दिन होते, ठीक है। क्या कह रहा है, एक क्लास के दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों स्टूडेंट का बर्थडे एक ही दिन होना चाहिए, सेम डे होना चाहिए, मतलब बर्थ डेट उनकी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी में देखो क्या आ जाएगा, फेवरेट टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 365, मतलब साल में कितने दिन होते, 365, उन 365 में से किसी एक दिन क्या होगा, दोनों का बर्थडे होना चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, अनुकूल परिणाम वो क्या होगा, वन, क्या होगा, वन, क्योंकि बाउंडेशन क्या दे रखी है, दोनों का बर्थडे सेम डे होना चाहिए। मान लो इसका 7 जनवरी को है पहले स्टूडेंट का, दूसरे का भी क्या होना चाहिए, 7 जनवरी को, 7 जनवरी को होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों के फेवरेबल आउटकम कितने हुए, वन ही तो हुआ, दोनों का फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, वन हुआ, तो फेवरेबल आउटकम हो गया वन, टोटल आउटकम कितना है, 365, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/365, got it, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मान लो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे, एक कक्षा के, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस याद रखना है कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, राली ईयर में कितने दिन होते हैं, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन, यहां मैं छोटा सा वर्ड यूज कर देता हूं, नहीं, एक ही दिन नहीं आने की ट्राई का गया आपके हो, जबकि वर्ष अलग वर्ष, सिंपल सा एक वर्ड यूज किया मैंने, नहीं, ठीक है। कि एक क्लास से दो स्टूडेंट है, ठीक है, उनका बर्थडे सेम डे नहीं आना चाहिए, सेम डे नहीं आना चाहिए, किसी अदर डे आना चाहिए दूसरे वाले का, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम 365 है, इससे अलग होने के, मतलब उसका बर्थडे 7 जनवरी को नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कभी भी हो सकता है, तो सेम तो नहीं हुआ ना, तो उसके पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 364, कितने होंगे, 364 दिन होंगे उसके पास। मान लो उसका 7 जनवरी को है और अगले का 8 जनवरी को आ गया, तो सेम डे तो नहीं हुआ ना, 9 को आ जाएगा, मतलब 7 जनवरी को छोड़ के दूसरे वाले का कभी भी हो सकता है बर्थडे, तो एक दिन को छोड़ दो, पीछे फेवरेबल आउटकम कितने बचे, 364। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 364/365। थोड़ा सा जब एक वर्ड मैंने यहां पे यूज किया, नहीं, सेम डे बर्थडे नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरा चेंज हो गया, समझ में आएगी बात। ये क्वेश्चन कैसे बदल जाता है, एक कक्षा के दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि वर्ष क्या हो, अलीप वर्ष हो, अलीप वर्ष में आपको पता है कि 365 दिन होते हैं, 365 दिनों का क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था बर्थडे सेम डे होना चाहिए, दोनों के पास एक ही फेवरेबल आउटकम था कि उन दोनों का बर्थडे सेम डे होना चाहिए, तो एक ही फेवरेबल आउटकम हुआ वन, टोटल आउटकम हुआ 365, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 365। सेकंड बात करते हैं कि मैंने कह दिया कि बर्थडे सेम डे नहीं होना चाहिए, जन्मदिन एक ही दिन नहीं होना चाहिए, एक ही दिन नहीं होना चाहिए, मान लो पहले वाले का 7 जनवरी को आ गया, तो दूसरे वाले का 7 जनवरी को छोड़ के बाकी जितने भी दिन है उसमें से कभी भी आ सकता है, तो फिर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 364, टोटल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल 364/365, समझ में आएगी बात, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप क्या हो गया, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको,
एक लीप वर्ष में In a leap year, find the probability of getting 53 Mandi. एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो. In a leap year, find the probability of having 53 Mandi. ठीक है ना? सोचो जी. आपके पास सही कितने होते हैं? 366. कितने होते हैं? 366. दिन कितने होते हैं? 366. ठीक है? वीक में डे कितने होते हैं? 7 डे होते हैं. कितने होते हैं? 7 डे. कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. होते हैं सबको पता ही है. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. 7 डे होते हैं. अब कितने मंडे होने चाहिए? 53 मंडे होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 53 मंडे. तो पहले तो मैं चेक करता हूं कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने वीक होते हैं. टोटल वीक कितने होते हैं? 366 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से. ठीक है, तो 52 टाइम जाएगा 364 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. रिमाइंडर क्या बचेगा? 2. ठीक है, तो अच्छा देखो कितने वीक हुए? 52 वीक हुए. कितने हुए? 52 वीक. अब 52 वीक में क्या होता है? देखो एक वीक में सारे दिन एक बार आता है. संडे एक बार आता है, मंडे एक बार आता है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मतलब 7 दिनों का कोई भी आप एक जोड़ा उठा लो, ठीक है, उसके अंदर हर दिन एक एक बार आएगा. आज से 7 दिन उठा लो, एक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे आएंगे. ठीक है, या कंटिन्यूस कोई भी 7 डे उठा लो, सारे दिन एक एक बार आएंगे. मतलब 52 वीक है. तो मंडे पे कितने हुए? 52. संडे भी कितने हुए? 52. मतलब सारे दिन कितने कितने बार आएंगे? 52 बार आएंगे. ठीक है ना? अब 52 बार आ, लेकिन मुझे कितनी बार चाहिए? 53 टाइम चाहिए. कितनी बार चाहिए? 53 टाइम. तो मेरे पास 52 टाइम तो आएंगे आएंगे. पीछे दिन कितने बचे? 2. कितने बचे? 2. इन 2 दिनों में क्या है, क्या क्या आ सकता है? इन 2 दिनों में आ सकता है संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे, संडे, संडे, मंडे. वापस ऊपर आ रखा है. तो ये आपके होंगे टोटल आउटकम. कितने होंगे? 7. कितने होंगे? 7. अब अपने को क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मुझे क्या चाहिए? मुझे एक मंडे और चाहिए, क्योंकि 2 दिनों के जोड़े में पास पास में होंगे, वही तो दिन आएंगे. ऐसा तो नहीं है कि संडे के बाद सीधा फ्राइडे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है. संडे के बाद क्या आएगा? मंडे. या तो संडे के पास में क्या होगा? मंडे होगा, या संडे के पास क्या होगा? सैटरडे होगा. ठीक है ना? तो दो दो के गैप वाले दिन आएंगे, जैसे संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे. ये ऐसे दिन होंगे. ठीक है ना? अब मुझे चाहिए मंडे, एक मंडे और चाहिए, क्योंकि 52 मंडे मेरे पास पड़े हैं. मुझे कितने चाहिए? 53. तो मंडे कौन से आउटकम में आ रहे हैं? एक तो इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं. अगर संडे मंडे आएगा इन 2 दिनों में जो पीछे बचे हुए, तो भी मेरा काम हो जाएगा. और मंडे ट्यूसडे आएगा तो भी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मुझे तो एक मंडे और चाहिए. इन 2 दिनों में क्या आ सकता है? या तो ये आएगा या ये, या ये, या ये. मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 2. कितने हुए? 2. और टोटल कितने हुए? 7. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7. प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/7. समझ में आई की बात? क्वेश्चन क्या आया कि एक वीक वर्ष में 53 मंथ सोमवार आने की प्रायिकता क्या थी? ये दिन कितने होते हैं? इतने. वीक में दिन कितने होते हैं? इतने. अब वीक कितने होते हैं टोटल? टोटल वीक कितने होते हैं? 366 को डिवाइड करूंगा 52 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा. 52 सप्ताह मतलब 52 बार सोमवार, 52 बार मंगलवार, ऐसे सारे आएंगे. ठीक है ना? मुझे 52 नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 53. तो इन 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है? इन दोनों 2 दिनों में ये हो सकता है. मुझे मंडे चाहिए. मंडे किस किस में? इन दोनों में. तो फेवरेबल 2, टोटल 7, प्रोबेबिलिटी 2/7. ये आपका हो गया एक साल से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, इसको ढंग से क्या कर लेना आप, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, जो भी समझ लेना. ठीक है ना?
इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो आपको कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, और इसको आप ढंग से वापस देख लेना, ठीक है, थैंक यू।